अंबेडकर जयंती पर क्या बोले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। संविधान और बाबा साहेब की सराहना। सीजीआई ने क्यों कहा हम जश्न मनाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि संविधान के रचनाकार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इसके साथ ही कहा किस दिन का हम जश्न मनाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि यह हम सभी के लिए बहुत ही खास दिन है। यह डॉक्टर बी आर अंबेडकर की जयंती है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं और जिन्होंने पूर्ण सामाजिक परिवर्तन लाया है। सीजीआई ने तारीफ करते हुए कहा कि बाबा साहेब का संदेश आज भी जारी है, यह आज भी उतना ही मान्य है जितना तब के समय में हुआ करता था जब भारतीय संविधान का मसौदा तैयार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच सिंगापुर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुंदरेश मेनन और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के उनके सहयोगी साथ में हैं। उन्होंने कहा यह अवसर हमारे लिए और भी खास बन चुका है क्योंकि हम डॉक्टर अंबेडकर के जीवन का जश्न मनाते हैं और आज सुबह उन्हें श्रद्धांजलि और पुष्प अर्पित करते हैं। सुनिए सीजीआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ कहा। दिस इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस। इट्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हु ब्रॉट अबाउट अ कंप्लीट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिज मैसेज कंटिन्यूज टू बी एज वैलिड टुडे एज इट वॉज when he was drafting the Indian Constitution. We are very privileged to have in our midst the Chief Justice of the Supreme Court of Singapore, Justice Sundaresh Menon, and his colleagues from the Supreme Court and the High Court. So this has made the occasion even more special for us as we celebrate the life of Dr. Ambedkar and pay homage and tribute to him this morning. आपको बता दें कि सीजीआई चंद्रचूड़ जब अपने जूते निकाल रहे थे उस वक्त किसी से वो कुछ बातचीत कर रहे थे और उनके इसी वीडियो को लेकर लोगों ने खूब प्रशंसा की है। सीजीआई के जूते निकालने का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है क्योंकि वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करने के लिए जा रहे थे और उससे पहले उन्होंने अपने पैरों के जूतों को उतार दिया था। आपको बता दें कि आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इससे पहले देश के कोने कोने में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति से लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि समाज को बाबा साहेब के रास्ते पर चलना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ साझा कर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए जागरूकता जरूर फैलाएं।